नमस्कार दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि सर बताइए कि एलपीआर सिस्टम में कंप्रेसर के ऊपर बर्फ क्यों आता है, इसका क्या रीजन है कंप्रेसर के सिलेंडर के ऊपर बर्फ आने का। तो ये सवाल आप लोगों ने पूछा था, ये सवाल काफी बार आ चुका था, इसलिए मैं सोचा कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं। एलपीआर सिस्टम में कंप्रेसर के ऊपर बर्फ क्यों आता है या लिक्विड क्यों आता है। नॉर्मली दोस्तों, वो कंप्रेसर के ऊपर जो एलपीआर सिस्टम होता है, उस सिस्टम में कंप्रेसर के ऊपर बर्फ नहीं आता है, यानी इसके सिलेंडर के ऊपर बर्फ नहीं आता है। रेयर चांस होता है जिसमें कंप्रेसर के ऊपर बर्फ आता है या लिक्विड आता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन लाइन है, इसके ऊपर तो बर्फ आ सकता है बाय चांस, यहाँ भी सिलेंडर भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर सिलेंडर से ज्यादा हो जाए और ये जो डिस्चार्ज लाइन है ये ठंडा हो जाए, तो हम समझेंगे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण से कंप्रेसर के सिलेंडर पर इतना ज्यादा लिक्विड आ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मैं काफी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लगातार आए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कंप्रेसर के ऊपर बर्फ आने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से मैं तीन मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा जो आम हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, पहला कारण ये हो सकता है दोस्तों कि ये फ्लूइड स्विच जो है, ये फ्लूइड स्विच इसमें लिक्विड लेवल का एक स्तर बनाए रखता है, बाय चांस इस फ्लूइड स्विच में जाम हो जाए और ये काम करना बंद कर दे, तो ये जो रिसीवर है इसमें ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर के ऊपर लिक्विड आ जाता है। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है कंप्रेसर के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट लिक्विड आएगा, ठीक है, बर्फ भी आएगा लिक्विड भी आएगा, ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिक्विड आएगा अगर ये रिसीवर ओवरफ्लो हो जाए तो फ्लूइड स्विच के कारण भी ये ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। दूसरी कारण दोस्तों कि सोलेनोइड वाल्व है, वहां पर सोलेनोइड वाल्व लगा हुआ है, तो सोलेनोइड वाल्व में जाम हो जाए, बाय चांस ये खुल जाए या खुलने के बाद वो फिर से बंद ना हो, तो इसके कारण से ये ओवरफ्लो हो सकता है। आपका कटआउट सही भी रहेगा, फिर भी वो जाम हो जाए तो लिक्विड जाता रहेगा और ये आपको पता नहीं चलेगा, अचानक ये ओवरफ्लो हो जाएगा और कंप्रेसर के ऊपर डायरेक्ट लिक्विड जाएगा, ठीक है, तो ये भी खतरनाक हो सकता है, तो ये इसके कारण से भी हो सकता है। और तीसरा जो कारण दोस्तों, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे इस प्लांट में 2 kg नॉर्मल सेक्शन चलता है, ठीक है, 2 kg पर नॉर्मल लोग चलाते हैं या चलता है, लेकिन बाय चांस आपके जो चैम्बर होता है या इवेपोरेटर होता है उसमें कोई एक बंद कर दिया जाए या उसमें गैस ना जाए, जिसके कारण से इसका सेक्शन जो प्रेशर है ये डाउन होगा, अगर 2 kg से नीचे जाएगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे इसके ऊपर बर्फ आना शुरू हो जाए और यहाँ तक जो सिलेंडर है यहाँ तक आ जाए। तो ये नॉर्मल होता है दोस्तों, वैसे इस पर बर्फ आता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये जो डिस्चार्ज लाइन है ये ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 kg से नीचे जा रहा है आपका सेक्शन प्रेशर, तो हो सकता है कि इसके ऊपर बर्फ आपको देखने को मिल जाए। ये तीसरा कारण होता है, बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज ठंडा नहीं होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, मैं वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, मैं सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। तीसरा कारण होता है दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ देख सकते हैं कि एक वाल्व यहाँ से ये वहां सोलेनोइड वाल्व होकर गया है, तो सोलेनोइड से कंट्रोल होता है इस रिसीवर का लिक्विड, लेकिन एक डायरेक्ट गया होता है। अगर बाई चांस इसमें गैस जल्दी भेजना हो, इसके लिए किसी किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, और एक वाल्व यहाँ जाता है पंप के आगे, लिक्विड पंप के आगे चला जाता है, तो इसमें लीकेज हो, ज्यादा लीकेज हो या इसमें लीकेज हो, तो भी ये आपका सोलेनोइड वाल्व बंद होने के बावजूद भी इसमें लिक्विड जाता रहेगा और ये ओवरफ्लो रिसीवर जो है ये हो सकता है, जिस कारण से लिक्विड कंप्रेसर के ऊपर आ सकता है। तो इस तरह का कारण इसमें हो सकते हैं, जिस कारण से एलपीआर सिस्टम में कंप्रेसर के ऊपर लिक्विड या बर्फ आ सकता है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।